नमस्कार, जय हिंद, स्वागत, सलाम सभी का एक और सूचना के साथ। सूचना है दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से 31 दिसंबर को आई है सूचना। और ये सूचना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जनवरी सेकंड वीक में होने वाले हैं पीएचडी, एमफिल और एमफिल पीएचडी के साक्षात्कार। अभी सभी आप सभी जानते हैं इस नोटिफिकेशन की सूचना बहुत पहले यानी कि 27 तारीख को आ चुकी है, लेकिन 3 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव और थोड़ा सा कुछ अतिरिक्त ऐड हो गया है। जी हाँ, थोड़ा सा बदलाव और कुछ अतिरिक्त पॉइंट ऐड हो गए हैं जिसको बताने के लिए और समझाने के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। वीडियो देखने समझने के बाद सवाल कीजिएगा, बिना पूरा वीडियो देखे सवाल करेंगे तो जवाब आपको प्राप्त नहीं होगा। 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है, 5 बातें हैं, उसको समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू होने के बावजूद भी आपको समस्याएँ खड़ी हो जाएँ। क्योंकि सूचना का पहला भाग ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू दोनों ही तरीके से समस्याएं पैदा हो रही थी, क्योंकि दिल्ली में नंबर एक स्थान हो चुका है भारत में ओमिक्रोमी जोन जो बढ़ गया है, कोविड का नया वेरिएंट, उसकी वजह से बहुत से लोग संकुचित हैं, उनके परिवार के लोग चिंतित हैं कि वह बच्चे इंटरव्यू देने कैसे जाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से। तो उसी को लेकर विश्वविद्यालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, खासकर पॉलिटिकल साइंस विभाग ने, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं होगा बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की वेबसाइट पर मौजूद होगा, और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लास्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू का शेड्यूल जो मैंने समझाया था, किस दिन एमफिल का इंटरव्यू होगा, किस दिन पीएचडी का इंटरव्यू होगा। और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये एमफिल और पीएचडी दोनों ही बच्चों के लिए है, और उनके लिए भी है जो इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से देंगे, और उनके लिए भी है जो इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से देंगे। क्या है सूचनाएं, 5 बातें हैं, 5 मिनट लगेगा, समझने का प्रयास कीजिए सुनने के उपरांत में। सबसे जरूरी है नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 4। नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 4 कहता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, उम्मीदवार जो अपने संबंधित निर्धारित तिथियों पर ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू देने में असमर्थ हैं, ठीक है, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं देना चाहते हैं लेकिन उनका नाम ऑनलाइन में आ गया है, और कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से लेकिन ऑफलाइन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए। जो बच्चों के नाम आए हैं यदि वह ऑनलाइन इंटरव्यू देने के पक्ष में नहीं है या ऑफलाइन देने के पक्ष में नहीं है, उनके लिए अलग से यूनिवर्सिटी ने 2 दिनों तक और एक्स्ट्रा इंटरव्यू लेने की व्यवस्था की है। नई तारीख मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन कुछ बातों का और ध्यान रखिए। जो इंटरव्यू का शेड्यूल विश्वविद्यालय ने 27 दिसंबर के नोटिफिकेशन में आपको दिया था, उस शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं है। जिस डेट, जिस टाइमिंग और जिस सीरियल नंबर से बच्चों का शेड्यूल तय किया गया था वह उसी दिन उसी समय उसी माध्यम से है, लेकिन जो अतिरिक्त है वही इसके लिए बताने का ये नोटिफिकेशन भी है, वीडियो भी है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 जनवरी को एमफिल का और 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक एमफिल और पीएचडी का और 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है, उसको आप पहले ही देख चुके हैं, समझ चुके हैं, नए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। पहली बात, जैसे कि हमको ये होता है कि हमको इंटरव्यू ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है, उसके लिए हमें विभाग को सूचना देनी पड़ती है ईमेल के माध्यम से, जो अभी तक होता आया है डीयू में, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन में क्लियर यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि आपको किसी प्रकार का ईमेल करने की या फोन करने की या मैसेज करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे। ऐसे सभी विद्यार्थी, चाहे उनका इंटरव्यू एमफिल के लिए हो, चाहे पीएचडी के लिए हो या एमफिल पीएचडी दोनों के लिए हो, किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं है विभाग और विश्वविद्यालय को कि आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। यूनिवर्सिटी ने एक और पॉइंट उसमें शामिल किया है कि 12 जनवरी 2022, क्योंकि 12 जनवरी 2022, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 12 जनवरी को लास्ट डेट है इंटरव्यू की ना, ऑफलाइन माध्यम के ऑनलाइन सभी का इंटरव्यू 12 जनवरी को लास्ट, लेकिन 12 जनवरी की शाम को या 12 जनवरी की रात को विश्वविद्यालय की जो विभाग है पॉलिटिकल साइंस अपनी वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी करेगा जिसमें यह बताएगा ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू अब अगले दिन होगा। यदि कोई इंटरव्यू, मान लीजिए किसी का नाम ऑनलाइन की लिस्ट में है, ठीक है, सरल शब्दों में किसी बच्चे का नाम ऑनलाइन इंटरव्यू की लिस्ट में है और किसी बच्चे का नाम ऑफलाइन इंटरव्यू की लिस्ट में, लेकिन यदि कोई कैंडिडेट
8 से लेकर 12 जनवरी के बीच में जो इंटरव्यू की लिस्ट है उसके अनुसार इंटरव्यू नहीं दे पाता है किसी भी कारणों से, दिल्ली नहीं आ पाता है, ट्रेन नहीं मिलती है, नेटवर्क का इश्यू होता है, कोई भी कारण से किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं हो पाता है या छूट जाता है, उन सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू 13 और 14 जनवरी 2022 को विश्वविद्यालय का पॉलिटिकल साइंस विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी लेगा। समझे इसको, ऐसे सभी कैंडिडेट एमफिल या पीएचडी के जिनका इंटरव्यू 8 से लेकर 12 जनवरी के बीच में रखा गया है, किन्हीं भी कारणों से छूट जाता है या बच्चे नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू 13 और 14 जनवरी 2022 को रखा गया है। लेकिन दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात, जिस किसी का भी इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होगा, गूगल मीट का लिंक विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन में दे दिया है और उस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस नोटिफिकेशन में जो लिंक है उसको सेव करके रख लीजिएगा, उसी लिंक के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे या छूट जाएगा 12 जनवरी से पहले, ये मेरा सुझाव है, विश्वविद्यालय विभाग नहीं कह रहा है, ये मेरा सुझाव है, यदि कोई कैंडिडेट 8 से लेकर 12 जनवरी के बीच में जो इंटरव्यू उसको नहीं देना चाहता है या छूट जाता है तो उसको सूचना देना एक मेरी तरफ से सुझाव है, मानेंगे तो मैं, क्योंकि आप अगर पहले सूचना दे देंगे कि सर हमारा इंटरव्यू छूट गया है या हम दिल्ली नहीं आ सकते हैं कोई भी कारण है, तो 12 जनवरी को जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम 100% आ जाएगा, नहीं तो विश्वविद्यालय एक और ऑर्डिनेंस निकाल देगा कि आपने हमको बताया नहीं इसलिए हमने आपका नाम दिया नहीं, इसीलिए अपना एप्लीकेशन और आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन है उसको हाईलाइट करके आप भेज दीजिएगा कि हम इंटरव्यू 13 और 14 जनवरी को देना चाहते हैं। लेकिन दो बात का और ध्यान रखिएगा, 13 और 14 जनवरी को जिन बच्चों का इंटरव्यू होगा उसका माध्यम केवल और केवल ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं है, केवल और केवल ऑफलाइन माध्यम से, यानी कि 8 से लेकर 12 जनवरी के बीच में चाहे आपका माध्यम इंटरव्यू का ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लेकिन यदि आपका इंटरव्यू छूट जाता है, रह जाता है या आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपका इंटरव्यू जब 13 और 14 जनवरी को होगा वह केवल ऑफलाइन माध्यम से होगा। आपको राजनीति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचना होगा सुबह 10 बजे 13 और 14 जनवरी को। यही अपडेट था जो मुझे आपको देना था। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म, सिनॉप्सिस, एकेडमिक डॉक्यूमेंट इनको दोबारा से भेजने की जरूरत नहीं है, आप जो भेज चुके हैं उसी के आधार पे लिस्ट भी आ चुकी है, लिस्ट में अपना नाम वगैरह देख लीजिएगा, कोई इसमें करेक्शन करवाना हो तो अभी मौका है, इंटरव्यू से पहले आपके नाम में कोई मिस्टेक है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर है उसमें यदि कोई मिस्टेक है और किसी प्रकार की आपत्ति है तो उसको अभी कर दीजिए इंटरव्यू की डेट से पहले, नहीं तो उसके बाद कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2 दिनों तक और इंटरव्यू का समय बढ़ा दिया है, लेकिन जो पुराना शेड्यूल था उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन, करेक्शन नहीं है। बस इतना ही है कि जो बच्चे इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं या नहीं दे पाएंगे या जिनसे इंटरव्यू छूट जाएगा उस डेट में, तो उन बच्चों का इंटरव्यू 13 और 14 जनवरी को लिया जाएगा और इंटरव्यू होगा ऑफलाइन माध्यम से। एक बात और बता दूं एक्स्ट्रा, सिनॉप्सिस जो आप बनाएंगे उसको पूरा हिंदी में या पूरा इंग्लिश में बनाइएगा, मिक्स मत कीजिएगा लैंग्वेज को, ऐसा मत कीजिएगा कि आपने कुछ बातें हिंदी में लिख दी कुछ बातें इंग्लिश में लिख दी। इंटरव्यू में चल सकता है ये सब कि अपनी बातों को आप बाइलिंगुअल रख सकते हैं, लेकिन सिनॉप्सिस यानी कि प्रपोजल, शोध प्रस्ताव जिसे हम रिसर्च बोल सकते हैं, रिव्यू कुछ बोल सकते हैं, एसओपी, वह एक लैंग्वेज का बनाइएगा, लेकिन इंटरव्यू चाहे तो बाइलिंगुअल कर सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो यहां तक देखा होगा और यदि कोई बात मेरी आपको समझ में ना आई हो, दिमाग में ना चढ़ी हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा और इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में ना जाने कितने नोटिफिकेशन किस वेबसाइट और विश्वविद्यालय पर आ जाते हैं, ये किसी को नहीं, बहुत कम लोगों को जानकारी मिलती है। मुझे भी अगर जानकारी नहीं होती तो मैं भी नहीं दे पाता ये अपडेट ना आपको, क्योंकि कितनी वेबसाइट सर्च करें एक दिन में ना, और आप भी कितना वीडियो देखेंगे, तो जैसे ही कोई जानकारी आपको लगती है कि आपके किसी मित्र का, किसी दोस्त का भला कर सकती है, उसका नुकसान उनसे बच सकता है, चाहे वीडियो चाहे नोटिफिकेशन, जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, डिसलाइक, शेयर, कमेंट जो करना है अपनी समझ और विवेक से कीजिएगा, एक भेड़ चाल की तरह या मेरे कहने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा, जो ठीक लगे उसको कीजिएगा और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम, और आपने 9.5 मिनट दिया उसके लिए धन्यवाद।